श्री जी मंदिर निम्बार्क संप्रदाय का मंदिर है और इस मंदिर के जो संचालक है वो राजस्थान सलेमाबाद अजमेर डिस्ट्रिक्ट किशनगढ़ से 22 किलोमीटर मेन गेट जो अपनी निम्बार्क संप्रदाय का वहाँ पर है और वहीं से संचालित है श्री जी की बड़ी कुंड और ये 1883 संबद्ध में जो है करीबन 190 वर्ष इस मंदिर को हो रहे हैं और निम्बार्क संप्रदाय की जो उपासना है युगल सरकार और श्री विग्रह जो विराजमान हैं वो आनंद मनोहर जी हैं श्री जी श्री राधा रानी और साथ में ललिता विशाखा सखी है श्री उत्सव विग्रह श्री गिरिराज महाराज और मुरली मनोज जी विराजमान हैं और निम्बार्काचार्य चक्र के अवतार थे उनका स्वरूप शहर में विद्यमान है। ये सुदर्शन चक्रावतार निम्बार्क महामुनि ये विष्णु के हाथ में जो चक्र होता है उस चक्र के अवतार थे और 5113 वर्ष पहले महाराष्ट्र में जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है मुंगी पैठन जिस समय विद्यमान है उसका नाम तो वहाँ इनका अवतार प्रागट्य हुआ था माता जयंती और पिता जो अरुण ऋषि थे तो चक्र के अवतार है और जो परंपरा है ये हंस भगवान से प्रारंभ हुई है। हंस भगवान संतादि भगवान नारद भगवान निम्बार्क भगवान निवासाचार्य इस प्रकार अभी जो स्वरूप विद्यमान है राधा सर्वेश्वर संत देवाचार्य श्री श्री जी महाराज ये इस परंपरा में 48वें जगतगुरु थे और अभी वर्तमान में जो नए जगतगुरु विराजमान हैं गद्दी पर वो श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज जो सलेमाबाद में रहते हैं और ये श्री जी महाराज जी ने अभी 2017 में 14 जनवरी मकर संक्रांति को उनका परम धाम वास हुआ संप्रदाय के पास नाम है गोपाल मंत्र और युगल मंत्र राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे और जो लेख मैंने आपको दिखाया 1883 संबंध और जयपुर की जो है उस साइड ये जो शिला लेख है इसमें लिखा है श्री ठाकुर जी श्री आनंद मनोहर वृंदावन चंद्र जी को मंदिर महल महाराजा देरा सवाई जग सिंह जी के बजाम ज्ञानी जीमा जी महाराज देरा श्री सवाई जय सिंह जी की रावल सवाई श्री हाजी भाटी की बेटी मारा पीस गए जिताराम कामदार की बनाए विराजमान तो इनका नाम जो है आनंदी भाई कोरी था जिन्होंने ठाकुर जी की स्थापना की उसका नाम आनंदी भाई कोरी था और उन्होंने अपना नाम से जो है ठाकुर जी का नाम आनंद मनोहर रखा 1890 वर्ष जो है हो रहे हैं निम्बार्क संप्रदाय का ये प्रधान मतलब संस्था श्री जी की बड़ी कुंड श्री जी मंदिर और ये ठाकुर जी जो है ये मुरली मनोहर जी है ये आए थे 1970 में इस साइड में ये वाला जो वरमपुर बंगाल 1970 विराजमान मुरली मनोहर नाम की महिमा राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे निम्बार्क संप्रदाय की युगल उपासना में अष्टकालीन सेवा जिसमें मंगला आरती श्रृंगार आरती राजभोग आरती उत्थापन संध्या और शयन इस प्रकार से 5 आरती जो है युगल सरकार की संपन्न होती है और महावाणी जो श्री भट्ट देवाचार्य जी के जो शिष्य हरिवास देवाचार्य जी हुए उन्होंने महावाणी ग्रंथ की रचना की जिसमें पूर्ण रूप से अष्टकाल की सेवा क्योंकि सेवा के 3 अंग होते हैं कायिक वाचिक और मानसिक तो महावाणी जिनकी सिद्ध हो जाती है परिपक्व हो जाती है तो मानसिक सेवा
जो मन के द्वारा युगल सरकार के प्रति लाड़ लगाए जाते हैं, और जो महावाणी है उसमें संपूर्ण भगवान की दिव्यति दिव्य गोलोक निकुंज की जो लीला है वो मंगला से लेकर शयन तक जो साधक है, रसिक संत है, उनके लिए जो है एक संजीवनी जड़ी बूटी समझो, और नित्य निरंतर अहरनिश जो भी वैष्णव है, संत है, रसिक है, और नित्य निरंतर रस की अनुभूति करते रहते हैं। तो महावाणी जो भी सज्जन महानुभाव पढ़ते हैं वो शनि शनि धीरे धीरे जो है क्रियावृतम के चरणारविंद के सुपात्र बन जाते हैं, वैष्णवी दीक्षा प्रदान की और अपने गद्दी के उत्तराधिकारी रूप में इनकी नियुक्ति हुई 7 साल की अवस्था में, क्योंकि ब्रह्मचारी की गद्दी है, इनमें गृहस्थ कोई बैठते नहीं आए आज तक, और इनको 7 साल की अवस्था में जो है गद्दी के उत्तराधिकारी रूप में नियुक्त कर दिया था सभी धर्माचार्य सभी जगतगुरु के सानिध्य में। सलेमाबाद में बहुत बड़ा धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसे भी इनकी 7 साल की अवस्था में इन गद्दी पर उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। श्री भट्ट देवाचार्य जी के शिष्य हरिवंश देवाचार्य जी, जो मैंने क्रम निका अपने दिया ना, हाँ, उसमें सब क्रम लिखा हुआ है, युगल शतक जो है श्री भट्ट देवाचार्य जी का। Thank you.